हाय गाइस, मैं हूं आपका फेवरेट लिल क्यूट गेमिंग्स। एंड गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टेस्टिंग Xiaomi Pad 6 गेमिंग परफॉर्मेंस। तो इन दिस वीडियो मैं खेलने वाला हूं आप सबका फेवरेट बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी BGMI। तो कल हमने टेस्ट किया था फोर्टनाइट और आवर Xiaomi Pad 6, जिसकी वीडियो आप आई बटन से चेक कर सकते हो या फिर आप वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा, वहां से चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी मीडियम ग्राफिक्स पे। आज की BGMI टेस्ट में हम खेलने वाले हैं क्लासिक मैचेस से लेके अरीना मैचेस तक, स्मूथ एक्सट्रीम से लेके HDR एक्सट्रीम तक, HDR एक्सट्रीम तक। इस फुल हार्डकोर एंड एक्सट्रीम गेम प्ले टेस्ट से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो। तो हम ऐसे ही गेमिंग रिव्यूज़, गेम प्लेज, गेमिंग कॉन्टेंट ऐसे लाते रहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को। हम चलते हैं सीधा गेम के अंदर। तो हम आ चुके हैं अपनी गेम स्क्रीन पर, बट गेम प्ले शुरू करने से पहले मैं सबको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं जितने भी गेम्स खेलूंगा उसके क्विक रिव्यूज़ डालूंगा। अगर आपको फुल गेम प्ले देखनी है तो वो मेरे दूसरे चैनल लिलीक्यूट गेमिंग्स 3.0 पे अवेलेबल हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो वहाँ से फुल गेम प्लेज जो भी मैं खेलूंगा। ऑल्दो आई नो कि एक चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो, अगर आप Xiaomi Pad 6 खरीदने वाले हो BGMI के लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। उसका वन ऑफ द मोस्ट एंड बेसिक रीज़न है इसकी क्वालिटी। आई डोंट नो आपको इस वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप इस टाइम मेरी पिक्चर देख सकते हो एंड गेम की क्वालिटी देख सकते हो, बिल्कुल मैच नहीं करती। क्योंकि Xiaomi Pad 6 में गेम चलती है 720p रेजोल्यूशन में। अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से गेम मोड में जाऊँ तो मैं आपको वहाँ पे उसकी पीक रेजोल्यूशन दिखा सकता हूँ। आई गेस अगर मैं कस्टम पे जाऊँ एंड कस्टम पे जाके अगर क्वालिटी दिखाऊँ तो रेजोल्यूशन आप रेजोल्यूशन चेक कर सकते हो। रेजोल्यूशन इसकी 720p एंड डिफ़ॉल्ट, मतलब Xiaomi Pad 6 में 720p से ऊपर रेजोल्यूशन है ही नहीं BGMI के लिए। सो ये काफ़ी एक मेजर इशू है, 720p से ऊपर रेजोल्यूशन जाता ही नहीं है गेम का। बाकी आप गेम में देख सकते हो कि क्वालिटी कैसी आ रही है, मैं दिखाऊँगा आपको, आप देखना आराम से, इंजॉय करो अपना गेम प्ले। क्या हो रहा मेरे साथ? गया था अभी मैं, अरे यार इस स्लाइड वाले। ओके वी वॉन ये the heck expire. oof guys pe kill chura lete hain. ओके गाइस, सो अभी तक इसने स्मूथ एक्सट्रीम पे हमको 60 FPS चिपका के दिए एंड HDR एक्सट्रीम पे थोड़े से इसने फ्रेम ड्रॉप्स दिए मेरे को, लाइक 5, 10, 50+ FPS दे रहा था मेरे को बस। ये तो हुई अरीना मैचेस की बात, अभी हम चलते हैं सीधा क्लासिक मैचेस पे। अभी अपना चल रहा है अपडेट 3.2 मैका फ्यूजन वाला। तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं जून 2024 में। अभी तक Xiaomi Pad 6 ऑप्टिमाइज नहीं है BGMI को लेके, 720p पे चलती है। परफॉर्मेंस वाइज फिर भी ठीक है, स्मूथ पे चिपका के 60 FPS देता है, बैलेंस्ड पे चिपका के 60 FPS देता है, बट स्टिल ऑप्टिमाइज नहीं है ये क्वालिटी के मामले में। क्लासिक मैचेस हम खेलेंगे डायरेक्ट अपने HDR एक्सट्रीम पे, क्योंकि ऑब्वियसली HDR एक्सट्रीम पे अगर अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो स्मूथ एक्सट्रीम क्या ही चीज़ है उसके सामने। तो या वी विल स्टार्ट विद आवर HDR एक्सट्रीम क्लासिक। ओके गाइस, लेट्स मूव टू आवर क्लासिक। लिविक से शुरू कर रहे हैं हम,
अपना HDR प्लस एक्सट्रीम पे। ये अगर सच बताऊं तो मैं बैठा हूँ एक नॉर्मल रूम में फैन के नीचे, अभी जस्ट हमने HDR पे स्मूथ पे एक रूम खेला है एंड ये भी इसका हीट हो चुका है एंड ये एरियाज भी हीट हो चुके हैं इसके। देखते हैं कितना शाइन मार रहा है। ओके सामने दो शॉटगन्स हैं, कोई आया नहीं। ओ आया नहीं कोई यहाँ पे। वो एक आया, हेलो ब्रदर, बाय ब्रदर। वो था ना अभी यहाँ पे पीछे है। ऊपर तो हमको जाना ही। अब अरे हवा में यूज कर दिया ना मैंने। ओके गाइस नीचे आ जाओ। ओ कितने डैमेज दिया उसने मेरे को। किल तो भाई लेके जाऊंगा मैं नो मैटर व्हाट। मरना भाई पूरा। किल तो लेके जाना था मेरे को। व्हाट द हेल, सरवाइव कैसे कर गया 1 HP गुदा। आओ भाई आओ। आओ भाई साहब, व्हाट द हेल भाई, कहाँ से मारा उसने यार। क्या है ये गैप, कितने गैप्स है इसमें। तेईस सेम है, एक ही चांस है। गया तो गया, नहीं गया तो मैं गया। चांस लू ही क्यों मैं। बेचारा वो क्या, एक तो नेट्स मेरे हवा में फूट जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके आई एम रेडी आई गेस। ओके ओके बेचारा। और बात यार क्या कैंपर्स हैं। तो एंड्रॉइड के हिसाब से HDR एक्सट्रीम एकदम अच्छा था इसका। माइनर फ्रेम ड्रॉप्स दिखे मेरे को, 40-50 FPS तक गया बीच में से ये, बट उसके अलावा लाइक ओके थे एकदम। 2.7K की रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले में 720p, भाई सुन के कितना गंदा लगता है। मैं लिटरली बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लॉन्ग टर्म में खेलो HDR एक्सट्रीम पे, क्योंकि मैं बता दूँ आपको ये ऑलरेडी इन साइड से एंड इस एरिया से हीट हो चुका है नॉर्मल से ज़्यादा, लाइक रूम टेम्परेचर उसके कंपेयर काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है यहाँ से। तो इसलिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि HDR एक्सट्रीम पे आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करो। बैटरी ड्रॉप भी मेरे को थोड़ा नॉर्मल से हाई देखने को मिला है। नॉर्मल से हाई तक आप गेमिंग कर सकते हो आराम से भाई इसमें,
मैं स्टिल इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको BGMI के लिए स्पेशली हो, Xiaomi Pad 6 को आप BGMI के लिए लो, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगेन वो क्वालिटी इश्यूज की वजह से, कि क्वालिटी इसमें काफ़ी गंदी है BGMI की। बट अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो, कि आप अलग अलग गेम्स ट्राई करते हो मेरी तरह, आप मेरी तरह अलग अलग गेम्स ट्राई करते हो, जैसे मैं अभी BGMI भी खेलता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलता हूँ, मैं अलग अलग गेम्स खेलता हूँ, तो उसके हिसाब से आप आराम से खरीद सकते हो। अगर वैसा आप करना चाहो, अगर आप स्टडी पर्पसेस के लिए, अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ जीने के लिए, साथ में गेमिंग करने के लिए खरीदना चाहते हो, तो है यू कैन डेफिनेटली गो विद Xiaomi Pad 6, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है उसके मामले में, मल्टीटास्किंग में बहुत बढ़िया, गेमिंग, नॉर्मल गेमिंग काफ़ी अच्छे से। अगर आप टोटल गेमिंग में हो, कंटेंट क्रिएशन में, तो या थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एंड्रॉयड आ जाता है। या फीचर इसमें काफ़ी है, फीचर इसमें काफ़ी है। आपको 30,000 के अंदर जो आईपैड मिलते हैं 9, 10 जनरेशन, उनके कंपेयर थोड़े ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, परफॉर्मेंस नहीं, फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आईपैड की ज़्यादा है, बट फीचर्स के कंपेयर, फीचर्स एंड यू नो स्टोरेज, चार्जिंग, सब कुछ, वो सब चीज़ें, इसमें फीचर्स ज़्यादा बेटर हैं आईपैड के कंपेयर। बट परफॉर्मेंस के मामले में ऑब्वियसली आईपैड सबको पीछे छोड़ देते हैं इसको भी। बट स्टिल फॉर यूज़र सेटिस्फेक्शन, हम एक और मैच खेलेंगे बैलेंस्ड प्लस एक्सट्रीम पे। हाँ मेरे साथ हवा में चला जा, हवा में ये भाई मेरे पे कूद के, वो डैमेज नहीं खाया उसने मेरे पे कूद के। ऑब्वियसली बैलेंस प्लस एक्सट्रीम पे ये चिपका के दे रहा है मेरे को परफॉर्मेंस उसकी पूरी। किलर मोनू ऑफलाइन था ये। यस ब्रदर, अंदर नेट फेंक रहा था कहीं पे वो, मैंने बाहर से तो पूछ लिया, कोई तो है तो हम, मेरे को क्या, मेरे को तो भागने से मतलब है यहां से। यहाँ पे था कोई आई गेस, मेरे को चेक करना है मोली से, मेरे को लगा यहाँ पे कोई है, वो ऊपर था मेरे को एक। आ जा भाई तू भी आ जा, स्कोप नहीं है ना, स्कोप लेके आया मैं, अरे यहाँ पे स्कोप मिलेगा कोई मेरे को, आई डोंट थिंक सो। ये ऊपर से मार रहा वो ऊपर है गए, कोई हेलीकॉप्टर लेके निकल गया। ओके मैं अकेला रह गया यहाँ पे है ना। यू लेफ्ट द थीम्ड एरिया ब्ला ब्ला ब्ला, रिस्पॉन कार्ड खत्म होने वाला होगा। नहीं यार बात,
थर्ड पार्टी क्यों करते यार, कर रहा हूँ मैं अभी। शॉटगन और रिकॉल है मेरे पे, तो भी पूरा फिनिश होगा भाई। अरे यार कैंपर्स। ओके गाइस, तो यही था हमारा क्लासिक रिव्यू बैलेंस प्लस एक्सट्रीम पे, भी इसने चिपका के 60 FPS दिए हमको आराम से, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं दिखे मेरे को, कोई मेजर लाइक कह सकते हो फ्रेम ड्रॉप्स नहीं दिखे, छोटे मोटे 2-3 FPS या 5-10 FPS, 5 FPS तक तो होता ही आराम से, कोई मेजर नहीं दिखा मेरे को। अरे फोकस कर ले भाई मेरे को।